इस वीडियो में हम देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट बनाने का तरीका। गूगल क्रोम पे जाएं, माइक्रोसॉफ्ट लिखें, साइट्स आ जाएंगी। सेकंड साइट यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट की है, इसे क्लिक कर लें। नेक्स्ट विंडो पर साइन इन कर लें। ये एक इंटरफेस आपके पास आ गया है। क्रिएट वन पर क्लिक करेंगे क्योंकि हमने न्यू अकाउंट क्रिएट करना है। यहां पर जो ईमेल एड्रेस हम रखना चाहते हैं वो लिखेंगे। मैं अपने चैनल का नाम लिख रही हूं Gen Z Tech, और एक्सटेंशन इसके साथ लगेगी @outlook.com। नेक्स्ट करेंगे। ये ईमेल एड्रेस ऑलरेडी किसी के इस्तेमाल में है, तो इसे हम अब थोड़ा सा तब्दील करके दोबारा ट्राई करते हैं। इसके साथ मैं कोई 28 लिख देती हूँ। ये उसने एक्सेप्ट कर लिया है और पासवर्ड पूछ रहा है। यहाँ पे हम अपना कोई पासवर्ड देंगे। नेक्स्ट करेंगे। ये कुछ प्रोसेस कर रहा है और हमें उसने नेक्स्ट विंडो पर भेज दिया है। यहाँ पे वो एक टेस्ट ले रहा है कि रोबोट नहीं है। नेक्स्ट करेंगे। अच्छा, यहाँ पे ऑडियो का भी टेस्ट लेता है। अगर वीडियो से आपका विजुअल से क्लियर ना हो रहा हो तो आप ऑडियो पर भी क्लिक करके ऑडियो टेस्ट भी दे सकते हैं। ये एक थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है। ये बार बार आपसे एक ही चीज़ पूछ रहा है। एक स्टेप रह गया, लास्ट स्टेप, और हमारी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट विंडो पर चले गए हैं। यहाँ पे आपने अपना नेम ऐड करना है और कैप्चा में जो भी दिया हुआ है वो आपने लिखना है। यहाँ पे एंटर करेंगे, नेक्स्ट विंडो पे चले जाएंगे और यहाँ पे अब आपने अपनी प्रोफाइल डिटेल्स देनी है। अपनी पिक्चर ऐड करें, अपनी डेट ऑफ बर्थ दें और जो भी एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट्स यहाँ पर मांगी हुई हैं, फर्दर रिक्वायरमेंट्स जो भी यहाँ पे उन्होंने मांगी हुई हैं, वो आप यहाँ पे एंटर कर दें। प्रोफाइल इन्फो है, डेट ऑफ बर्थ है, प्रोफाइल पिक्चर आप ऐड कर सकते हैं। आपका अकाउंट क्रिएट हो चुका है।